नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो टैंक आप देख रहे हैं, इस टैंक में काफ़ी सारा छोटा छोटा जो बच्चा है, ये देसी मांगुर मछली का बच्चा है। दोस्तों बहुत सारे किसान भाई मांगुर मछली को फार्मिंग करते हैं और ख़रीदते भी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता ये देसी मांगुर है या हाइब्रिड मांगुर मछली है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, आप किस तरह से पहचान सकते हैं देसी मांगुर को और हाइब्रिड मांगुर को, उसका भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों अगर देसी मांगुर मछली का बच्चा होगा तो उसका कलर जो है बिल्कुल लाल रहेगा। इस बाटी में आप ध्यान से देखेंगे तो इस मछली का बॉडी का कलर जो है वो बिल्कुल लाल कलर में आ रहा है। इस तरह से बहुत आसानी से आप इस देसी मांगुर मछली का बच्चा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर क्रॉस ब्रीड का बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, मछली का बॉडी का कलर में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है, यानी कुछ जगह जगह काला रंग में आता है और काला रंग के साथ साथ छोटा छोटा धब्बा जो इसका बॉडी में है, सफ़ेद सफ़ेद धब्बा देखने को मिलेगा। और हाइब्रिड बिल्कुल जो मांगुर होता है वो सफ़ेद भी हो जाता है, कभी कभी काला भी हो जाता है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप ये दोनों मछली में फ़र्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी इस मछली के माथे की तरफ देखने से आपको काला और सफ़ेद का धब्बा छोटा छोटा देखने को मिलेगा और माथा का साइज़ जो काफ़ी बॉडी की तुलना में काफ़ी बड़ा रहता है और फैला हुआ रहता है। और ये छोटा साइज मछली को पहचानने के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान देके बच्चा को हाथ में उठाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका बॉडी में छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद जो डॉट है वो बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगा। ये क्रॉस ब्रीडिंग का बच्चे में देखने को मिलेगा और जो बिल्कुल ही हाइब्रिड है वो बिल्कुल सफ़ेद कलर में आएगा, सफ़ेद और हल्का काली रंग में आएगी। तो बहुत आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं अगर मेरे बात बोलूँ, मैं कभी हाइब्रिड मछली को ब्रीडिंग नहीं कराता। इसके पहले भी मैंने मांगुर मछली का ब्रीडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लाइव प्रूफ के साथ दिखाया था देसी मांगुर मछली से किस तरह से ब्रीडिंग करा के बच्चा किया जाता है और प्योर जो देसी मांगुर है उसका ही सीड तैयार किया जाता है। इसी तरह का क्रॉस ब्रीड या हाइब्रिड मछली को हम लोग नहीं बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं उस तरह का वीडियो देखने के लिए, उस तरह का जानकारी और पाने के लिए ब्रीडिंग के बारे में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अगर बताएंगे तो उसके ऊपर भी मैं ब्रीडिंग के बारे में एक वीडियो बना के आपको दूंगा किस तरह से आप भी मांगुर मछली का ब्रीडिंग करा सकते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक ब्रीडिंग के बारे में वीडियो बनाया था, लेकिन वो बंगाली लैंग्वेज में होने के वजह से बहुत सारे किसान भाई जो है वो इसको समझ नहीं पाते हैं और इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं। अगर आपको बंगाली लैंग्वेज समझ में आती है तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा डिटेल्स में देसी मांगुर मछली को किस तरह से ब्रीडिंग कराया जाता है, किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है, पूरा प्रोसेस बताया हूँ। आप उसको देख के भी ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में अच्छा खासा जानकारी जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर देसी सिंगी मछली को ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो है, वो भी हिंदी लैंग्वेज पे है। उसको देख के बहुत आसानी से देसी सिंगी मछली को ब्रीडिंग करा सकते हैं। और उसका थंबनेल जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा वो थंबनेल। इसको देख के आप बहुत आसानी से देसी सिंगी मछली को ब्रीडिंग करा सकते हैं, उसका डोजेस के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, ब्रीडिंग प्रोसेस जो के बारे में जो वीडियो मेरे चैनल पे है वो बंगाली लैंग्वेज पे होने के वजह से बहुत सारे किसान समझ नहीं पाते हैं। अगर आप चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज में भी आप इस ब्रीडिंग प्रोसेस को जानना सीखना, तो आपको ये काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट पर आप बताते हैं मुझे ब्रीडिंग का वीडियो चाहिए, आपका डिमांड ज़्यादा होगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। और ये टैंक पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको इतना अच्छा से बनाया गया है, ब्रीडिंग कराया गया है, और इस टैंक में देखिए लाखों संख्या में जो देसी मांगुर मछली का जो सीड है वो आपको देखने को मिल रहा है। और इस तरह का जानकारी पाने के लिए आपको और एक काम करना होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का एक वीडियो बनाऊंगा और YouTube पे डालूंगा तो उसका एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो देसी मांगुर मछली का सीड है ये सारा का सारा सीड जो है वो सेलिंग हो चुका है। फिलहाल मेरे पास नया सीड नहीं है, फिर बनेगा, फिर ऑर्डर आएगा तभी बनाया जाएगा, फिर सेलिंग कर दिया जाएगा। और फिंगर लाइन बना के भी हम लोग बच्चे को सेल करते हैं, तो भी होने में कुछ समय लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।